नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैजेट स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एंजल वन या फिर ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं कुछ अपने थंबनेल में तो देखा ही है कि 1 लाख रुपए अगर मेरे पास है तो 1 लाख रुपए मैं किन कंपनीज में लगा सकता हूँ। ठीक है, किन कंपनीज में लगा सकता हूँ, इनमें बहुत सारी कंपनीज तो हो नहीं सकती, कुछ ही कंपनीज में आप लगा सकते हो बिकॉज एक लिमिटेड अमाउंट है। ठीक है, सो लिमिटेड अमाउंट को सही तरीके से हमें निवेश करना चाहिए। तो शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कंपनियों का नाम, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से लेंगे। ठीक है, ऑटो से क्या लेंगे, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटो से या तो आप मारुति सुजुकी लेंगे या फिर आइचर मोटर्स, बोथ आर गुड। मारुति सुजुकी या फिर आइचर मोटर्स, ये एक इनमें से एक, और इलेक्ट्रॉनिक्स में से वोल्टास या फिर हैवेल्स, इन दोनों में से एक सब बेहतरीन है। मारुति सुजुकी और आइचर मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है वोल्टास या हैवेल्स, इन यहाँ पे आपको कितने निवेश करने हैं, 20,000 यू हैव टू इन्वेस्ट। ओके, इन दिस कंपनीज। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम फार्मा व्हाट वी हैव टू डू, इन्वेस्ट इन ओनली वन कंपनी, दैट इज डॉक्टर रेड्डी, एंड इन FMCG आइदर डीमार्ट और हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर। ओके, इन तीनों में से आपको एक कंपनी चूज कर लेना है FMCG के लिए, और फार्मा के लिए ओनली डॉक्टर रेड्डी। ओके, यहाँ पे हमें कितना इन्वेस्ट करना है, 20,000। ओके, नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस में से, बैंक्स में से हम कहाँ पे करेंगे, HDFC बैंक और ICICI बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ओके, दोनों में से कोई एक बैंक को हम पकड़ लेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर हमारे इंडिया में अभी भी बहुत 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 रिफॉर्म्स की और बहुत अच्छा स्प्रेडिंग बाकी है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में से SBI लाइफ और HDFC लाइफ, आई विल चूज HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ को आप चूज कर सकते हो या फिर SBI लाइफ को चूज कर सकते हो। और फाइनेंस सेक्टर में से आप बजाज फाइनेंस को श्योरली पिक कर सकते हो। तो बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने जो स्टॉक बताया, यहाँ पे आपको 20,000 इन्वेस्ट करने हैं। ओके, नेक्स्ट 20,000 IT सेक्टर से आप कर सकते हो। IT सेक्टर में कौन सी में आप कर सकते हो, आइदर TCS और इन्फोसिस, आइदर TCS और इन्फोसिस, दोनों में से किसी एक को आपको चूज कर लेना है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में से आपको किसको चूज करना है, CDSL एंड InfoEdge, CDSL एंड InfoEdge। ओके, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों में से दोनों ही आप चूज कर सकते हो, CDSL और InfoEdge। ओके, सो हेयर हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट, हेयर यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली 20,000। ओके, एंड मिसलेनियस, यहाँ पे आपको सारे में इन्वेस्ट करने हैं, जो मैं मिसलेनियस स्टॉक्स कह रहा हूँ इनमें आपको सारे स्टॉक्स में से इन्वेस्ट करने हैं। नंबर 1 इज एक्साइड, नंबर 2 इज एशियन पेंट्स, नंबर 3 इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एंड नंबर 4 इज एयरटेल। ओके, जो मैंने कहा है स्टॉक्स का नाम, आप प्लीज इसमें ध्यान दीजिएगा और आपका 1 लाख रुपीज इजिली आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। और वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनीज है ये सब, इतना सेफ है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छा रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट, ये आप लिख के ले लीजिए। इतनी अच्छी कंपनीज है अपने क्षेत्र में भी, ये सुपर, सो हमें सुपर के साथ रहना है। और अपकमिंग जो स्टार्टअप्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में न्यूली लिस्टेड या फिर अच्छी अच्छी कंपनीज है, उनके साथ रहने हैं हमेशा। अच्छाई के साथ रहेंगे तो अच्छा ही होगा, बुराई के साथ रहेंगे तो बुरा ही होगा, भले वो कितने भी आज के डेट में चमक रहे हैं लेकिन बुरा तो होना है अंत में। सो बेटर आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। थैंक यू।